Rubina Chaudhary, and today we are going to start a new chapter of class 12 chemistry, that is solutions. So students, solution is a chapter which is very important for chemistry, because it is also needed in higher class of chemistry, as we always have to talk in terms of concentration, number of moles, molarity and molality. There are few part of this chapter which we have discussed in class 11 as well: molarity, molality, number of moles and mole fractions. You all are aware with this topics as well. So student, whenever we are talking about solution, there is very important few terms. First of all, we are going to discuss those few terms. Firstly, we should know what is mixture. What is mixture? So when I'm talking about mixture, it is a combination of two or more substance. अगर दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाए और मिक्स करने के बाद हम कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ मिक्सचर. मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. सो लेट अस राइट डाउन व्हाट इज मिक्सचर. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more substances. Now student, when we talk about mixture, there are some examples which we can see. Like air is a mixture of various types of gases. In air there are various types of gases are present, and that's why we call it as a mixture. Apart from that, when we talk about stone is a mixture of minerals. There are various types of minerals which are present in a stone. Now when we are talking about mixture is again classified into two type. One is known as a homogeneous mixture, and another one is known as a heterogeneous mixture. एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अभी स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सचर को समझने के लिए वी आर गोइंग टू टेक अ ग्लास ऑफ अ वाटर. इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, दिस इज माई वाटर, और मैंने इसके अंदर कुछ सॉल्ट ऐड करके उसको प्रॉपरली स्टर कर लिया है. माय ग्लास ऑफ वाटर जो था उसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया, एंड आई हैव स्टर्ड इट वेरी प्रॉपरली. सो व्हाट विल हैपन, माय सॉल्ट इज गोइंग टू डिसॉल्व कम्प्लीटली इन दैट वाटर. सो व्हेनेवर आई ड्रिंक वाटर, वेदर इट इज़ ऑन टॉप लेयर और इन बॉटम लेयर, आई विल गेट सेम टेस्ट, राइट स्टूडेंट? अगर मैं ऊपर से पीऊँ तो भी मुझे वही टेस्ट मिलेगा, और मैं नीचे से पीऊँगी तो भी मुझे वही टेस्ट मिलेगा. तो जब ये एक ही फेज में प्रेजेंट है, मतलब थ्रू आउट एक जैसा होता है, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. होमोजीनियस में जो वर्ड होमो है, होमो स्टैंड्स फॉर सेम, कोई भी सेम, और जो जीनियस होता है इट स्टैंड्स फॉर टाइप. सेम टाइप हो, मतलब कोई भी ऐसा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी नोन एज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर. यूनिफॉर्म मिक्सचर, सेम टाइप ऑफ अ मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. वेयर एज स्टूडेंट, अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करें, तो इसको हम सेम इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. अगर मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उस ग्लास ऑफ वाटर में मैंने दो तीन पॉइंट जो है सॉल्ट ऐड किया, दो तीन स्पून, और उसको स्टर नहीं किया, मतलब मेरा सॉल्ट प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं हुआ है. तो अब जब मैं ऊपर का पानी पीऊँगी तो वो मुझे लेस सॉल्टी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊँगी, वाटर के अंदर जो सॉल्टीनेस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और ऐसे जो रिएक्शन, ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सिंगल फेज में नहीं प्रेजेंट है, आपको हर एक सिप में अलग अलग टेस्ट मिल रहा है. बिल्कुल अगर मैं देखूं कि मैं पानी के अंदर
सैंड डाल देती हूँ तो आई विल सी जो सैंड है वो बॉटम में जाके बैठ गया है और ऊपर के पानी में थोड़ा जो है वो सैंड कम नज़र आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो देखने में अलग जैसा लग रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंट टाइप, एक ही सॉल्यूशन के अंदर आपको एक से ज़्यादा चीज़ें अलग अलग फेज में देखने को मिलती हैं, तो दैट इज नोन एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम, दे आर डिफरेंट इन ऑल दी फेजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर इज नोन एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर नॉट एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन। सो आर होमोजीनियस मिक्सचर इज ओनली कंसीडर्ड एज अ ट्रू सॉल्यूशन, जहाँ पे सारी चीज़ें कुछ इस तरह से मिक्स हो जाए कि हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, और उसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और यहाँ पे हम हमेशा दो प्योर सब्सटेंस को जो है मिक्स करके एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करते हैं। तो जब भी बच्चों मिक्सचर की बात होती है, मिक्सचर क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए और मिक्स करके हम कुछ नया बनाते हैं, इट इज़ नोन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस दैट इज़ नोन एज अ मिक्सचर। अब मिक्सचर के भी दो टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्रॉपरली मिक्स हो जाए टॉप से बॉटम में और वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओ, एक जैसा ही दिखेगा, तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। बट अगर दिखने में अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट लेट अस कम टू सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन हमेशा, अब जब आगे आप चैप्टर में बात करोगे तो आप हमेशा होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करोगे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की बात नहीं करोगे। सॉल्यूशन इज अ मिक्स सॉल्यूशन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर होमोजीनियस सब्सटेंस। सॉल्यूशन जो है ये एक मिक्सचर है होमोजीनियस सब्सटेंस का। लेकिन जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग, सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर दोस टू थिंग्स। सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट। तो लेट अस सी स्टूडेंट सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। क्यों कोई भी सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने ले लिया है एक ग्लास ऑफ वाटर, ये मेरे पास आ गया ग्लास ऑफ वाटर। इस ग्लास ऑफ वाटर में अगर मैं बाहर से सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैं कुछ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तो मेरा जो ये बाहर से मैंने सॉल्ट ऐड किया है बेटा, वो स्मॉल क्वांटिटी में है, मतलब जो स्मॉल प्रपोर्शन में है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। सॉल्यूट जो है वो एक सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट। जैसे कि मैंने एक ग्लास पानी लिया और एक ग्लास पानी में मैंने एक चम्मच नमक का डाल दिया, तो आई विल सी कि मेरा जो नमक है वो स्मॉल क्वांटिटी में है, इसलिए जो मेरा सॉल्ट है जो लेस क्वांटिटी में है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्ज क्वांटिटी में है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। बेटा यहाँ पे तुम देखोगे इस चैप्टर में कि ज़्यादातर टाइम सॉल्वेंट की जगह पे हम वाटर का यूज़ करेंगे, विच इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम टू मेक इट सिंपल वी आर यूजिंग वाटर, विच मेक इट सिंपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब बेटा ये लार्ज और लेस का कंसेप्ट पता होना क्यों ज़रूरी है, जैसे कि अभी तो बहुत सिंपली समझ में आता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बाहर से ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं,
और जिसके अंदर घुलता है, जिसके अंदर डिसॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ये हम लोग स्कूल लेवल से पढ़ते आए हुए। लेकिन ये चीज़ कंफ्यूजिंग तब हो जाएगी अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में पूरा नमक भरा हुआ है, दी होल ग्लास इज फिल्ड अप ऑफ अ सॉल्ट, ये पूरे के पूरे ग्लास में सॉल्ट भरा हुआ है, तो लार्ज क्वांटिटी में तुम्हारा सॉल्ट है और यहाँ पे तुम बाहर से दो तीन बूंद पानी का डाल रहे हो, तुम थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास वाटर क्या है और तुम्हारा सॉल्ट क्या है, तो यूजुअली क्या होता है हमारे माइंड में आता है कि वाटर तो सॉल्वेंट है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं जज करना है। आपको ये देखना है कि आपका वाटर जो है वो लार्ज प्रपोर्शन में प्रेजेंट है या स्मॉल प्रपोर्शन में। तो वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे मेरा वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। और मेरा जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है उसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी अ टाइप्स ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज़ यूजुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब भी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वी ऑलवेज, हमारे माइंड में हमेशा एक बात आती है कि जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड लिक्विड का ही होगा। तो वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आवर माइंड कि बस सॉल्यूशन है मतलब दो लिक्विड या लिक्विड में गैस, ऐसा कुछ होगा। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट, हमारे पास बहुत टाइप के सॉल्यूशंस हैं एंड वी आर गोइंग टू सी ऑल दैट विथ वन वन एग्जांपल ऑफ ईच। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में बेटा तीन चीज़ें प्रेजेंट है, तो हम सॉरी दो चीज़ें प्रेजेंट है तो हम उसको सेपरेटली बना लेते हैं। मेरे पास सबसे पहले आ गया सॉल्यूट जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, फिर मेरे पास आ गया सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और हर एक का हम क्या लेने वाले हैं? कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल। अब इसको समझने के लिए टू मेक इट सिंपल वी विल टेक थ्री बीकर्स, हम तीन बीकर्स ले लेते हैं, बीकर नंबर वन, बीकर नंबर टू एंड लास्ट विल बी माई बीकर नंबर थ्री। ओके बेटा, अब इन बीकर के अंदर हमने सॉल्वेंट डाल दिया है, ये मेरा सॉल्वेंट है, ये भी मेरा सॉल्वेंट है और ये भी मेरा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट वाटर ही होगा लेकिन अलग अलग स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में और गैसीय स्टेट में। यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिक्विड, यहाँ पे मैं ले रही हूँ सॉलिड और यहाँ पे मैं ले रही हूँ गैस। तो बेटा सबसे पहले मेरा जो सॉल्वेंट है वो कौन से स्टेट में है? मेरा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ओके, माई सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट। अब अगर मैं लिक्विड के अंदर, सॉलिड डालूं, सॉलिड मतलब मैं अगर लिक्विड के अंदर नमक ऐड कर देती हूँ, दैट मीन्स इट इज नोन एज अ सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है लिक्विड के अंदर तुम क्या डाल रहे हो? सॉलिड डाल रहे हो। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल, NaCl इन वाटर। सारे जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वाटर में, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। ये हमारे पास पहला केस आ गया स्टूडेंट। अब सेकेंड केस में बेटा हम क्या करने वाले हैं? हियर हम सॉलिड के अंदर सॉलिड डाल के देखते हैं। सॉलिड के अंदर सॉलिड क्या होता है? जब तुम दो मेटल्स को मिक्स करते हो तो मेटल्स को मिक्स करके हमें क्या मिल जाता है? हमें एलॉय मिल जाता है। तो वो एलॉय जो है बच्चों, दैट एलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड इन सॉलिड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्वेंट भी मेरा सॉलिड है और मेरा जो सॉल्यूट भी है वो भी सॉलिड है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल है मेटल्स में जो हम एलॉयज बनाते हैं।
whatever different type of alloys are present, they all are an example of a solid in solid. Next student, we are going to see हमारा जो solvent है वो gas है. Solvent हमारा gas है और इसके अंदर हम solid डालेंगे. तो ये किसका example है बच्चों? ऐसा example जो है तुम्हारा जो air है, air में iodine present होता है. Iodine is in solid state and your air is in gaseous state. बेटा मेरा जो solvent है वो कैसा है? मेरा जो सॉल्वेंट है यहाँ पे वो गैस है और उस सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया है? मैंने डाल दिया है अपना सॉलिड. तो उसका जो एग्जांपल आ जाएगा, दैट एग्जांपल इज गोइंग टू बी अ आयोडीन इन वाटर. बच्चों तुमने सॉलिड का टाइप देख लिया, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन गैस. ये तुम्हारे पास आ गया फर्स्ट टाइप. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग अपने सॉल्यूट को, मतलब हम जो ऐड करने वाले हैं वो लिक्विड होगा और हम उसको लिक्विड को ऐड करेंगे लिक्विड सॉलिड और गैस में. मतलब लिक्विड सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं लिक्विड में. नाउ दिस इज वेरी इजी एग्जांपल. जो सारे जूस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जूस हो गए, पानी के अंदर तुमने लेमन ऐड कर दिया, दैट ऑल इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. तो हम लिख देते हैं इथेनॉल अल्कोहल जो है तुम्हारा इन वाटर. ये एग्जांपल है किसका? लिक्विड इन लिक्विड का. नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, लिक्विड हम ऐड करेंगे किसके अंदर? सॉलिड के अंदर. सॉलिड के अंदर लिक्विड, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज एमालगम. मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में हो, एमालगम जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है. तो दैट इज वी आर गोइंग टू राइट डाउन एमालगम इन HG, दैट मीन्स इन मर्क्यूरी. और लास्ट एग्जाम्पल जो टॉपिक है दैट इज लिक्विड इन गैस. लिक्विड इन गैस का अगर हम एग्जाम्पल दे ले तो गैस के अंदर लिक्विड कैसे प्रेजेंट होता है? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इट? जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म वो लिक्विड स्टेट में होता है और ये क्लोरोफॉर्म जो है ना बेटा वो गैस में प्रेजेंट होता है. तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड इन गैस. ये आ गया हमारे पास. अब इसके बाद हम देखने वाले हैं गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड एंड गैस इन गैस. तो सबसे पहले आ गया हमारा गैस और वो किसके अंदर? लिक्विड के अंदर. सो स्टूडेंट, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा? लिक्विड के अंदर गैस, जितने भी तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, तुम उसमें देखोगे एयर बबल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो वो तो जो तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट होता है वो गैशियस है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो द बेस्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्रिंक्स. किसी भी ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एयर बबल्स के फॉर्म में, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ गैस इन लिक्विड. नेक्स्ट स्टूडेंट इज गैस इन सॉलिड. नाउ स्टूडेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैस इन सॉलिड, तो इसका जो प्लैटिनम जो मेटल होता है, एलिमेंट होता है, उसके अंदर H2 प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो इन गैशियस स्टेट. तो इसका एग्जाम्पल होता है H2 इन पैलेडियम. साथ साथ में प्यूमिक स्टोन का भी एग्जाम्पल ले लेते हो. वो जो स्टोन काफी लाइट होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गैस प्रेजेंट होता है. एंड नाउ लास्ट इज गैस इन गैस, विच इज वेरी सिंपल. गैस इन गैस के अंदर आ जाएगा हमारा एयर. आर एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज. हमारे एयर के अंदर बहुत सारे जो गैसेज है वो प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज गैस इन गैस. ओके स्टूडेंट, तो आज हमने क्या देखा है कि सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि मिक्सचर क्या होता है, तो कोई भी दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. फिर हमने टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ा है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे सब कुछ एक सिंगल फेज में प्रेजेंट होता है, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो अपने नेकेड आई से.
वेयर एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो हम जो सॉल्यूशन चैप्टर है वहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर की बात करने वाले हैं, और लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉल्यूशन देखा है, जहाँ पे वी हैव सीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड एंड ऑल दी 9 पॉसिबिलिटीज विच आर गिवन टू अस, ये हमने देख लिया है। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की वो कितनी होती है, और उसके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं विद चेंज इन पर्टिकुलर कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स।